दोस्तों, ये हमारा चैनल सुखराज मशीनरी एंड नानकना मशीनरी, अनमोल मशीनरी, गुरकीरत मशीनरी में आपका स्वागत है। दोस्तों जी, मैं आपके लिए एक नया बिजनेस लेके आया हूँ जो नोटबुक फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें ये नोटबुक बनेगी, इसमें ये स्टिचिंग फोल्डिंग साथ में ही और एज स्केयरिंग साथ में ओके कॉपी बन के रेडी होके निकल जाएगी, फिनिश होके निकल जाएगी, बस कटिंग ही करना है इसमें। इसमें ऐसा होता है कि ये लेबर कम लगती है इसमें। इसमें जो पहले जो मैनुअल कॉपी बनाते हैं उसमें हाथ से कॉपी फोल्ड करनी पड़ती है, इसमें कोई हाथ से नहीं करनी। इधर टाइटल और पेपर, जैसे ये रखा है टाइटल और पेपर इधर रखा है, ये मशीन अपने आप, मैं चला के अभी दिखाऊंगा कि इसमें इधर स्टिचिंग होएगी, फिर फोल्डिंग, फिर एज स्केयरिंग होकर कॉपी बन के रेडी होकर निकल जाएगी। और इसके साथ है, जेकर बाद में कभी फ्यूचर में इसके साथ आगे कटिंग का यूनिट भी साथ लगाना चाहते हो वो फ्यूचर में बाद में भी लगा सकते हो। अभी 4-in-1 मशीन भी है, इसमें स्टिचिंग फोल्डिंग एज स्केयरिंग एंड कटिंग भी साथ में, 4-in-1 भी हमारे पास मशीन होती है, वो भी ले सकते हैं। जिसका बजट कम है 3-in-1 ले लो, जिसका बजट थोड़ा ज़्यादा है वो 4-in-1 ले सकते हैं। और ये मशीन जड़ी है, आप इंडिया से कहीं से भी, आप यूट्यूब में देख रहे हो, इंडिया में कहीं फॉरन से भी कहीं भी देख के, उसमें हमारे तले व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन पे भी कंटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूरी मशीन की जानकारी जो है आप ले सकते हो। बाकी ये इस मशीन है, ये देखिए, ये पूरा बेड जो स्टेनलेस स्टील का बेड है, जो बढ़िया क्वालिटी का, हर चीज़ लगी होती है, कोई कोई चाइना के पार्ट नहीं है। हमारे ये प्रोडक्ट जो लगे हुए हैं मशीन में, जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, कोई चाइना का पार्ट्स नहीं लगा हुआ है। इसमें बढ़िया क्वालिटी के जो न्यूमेटिक सिलेंडर है, जो लाइनर गाइडवे है, हाइवन की लगी हुई है जर्मन की कंपनी की, और बढ़िया जो पार्ट है सभी स्टैंडर्ड पार्ट लगे हुए हैं, अच्छे पार्ट लगे हैं, कोई चाइना का पार्ट नहीं हम लगाते हैं। इसलिए हमारी मशीन की क्वालिटी अच्छी है, मशीन 10 साल चलेगी, कोई पार्ट नहीं घिसता कोई भी इसका। बाकी हमारी मशीन की लॉन्ग लाइफ है पूरी, आप कहीं से भी इसको मशीन देख के, जहाँ से भी यूट्यूब में देख रहे हो, वहाँ से वीडियो कॉल करके भी हमारी फैक्ट्री देख सकते हो, और आप वीडियो कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हो, और मशीन कहीं से भी बुकिंग करवा सकते हो आप, कहीं से भी, यहाँ भी हो। उसमें हमारा कंपनी का अकाउंट नंबर है, आप प्रॉपर देख के नानक नाम मशीनरी एंड सुखराज मशीनरी प्रॉपर देख के वहाँ ही बुकिंग कराओ, ठीक है? और पूरा देख लो, सुखराज मशीनरी और नानकना मशीनरी अमृतसर में 52 ओल्ड फोकल पॉइंट, प्लॉट नंबर 52 है, वहाँ आप देख के कभी भी आओ तो ये देख सकते हो, इधर आके इसकी लोकेशन जो है वो देख सकते हो, लोकेशन व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हो। बाकी हमारी जो मशीन है, इसमें 3-in-1 है, 4-in-1 है, ये 5 नंबर मॉडल भी है, 6 भी है। 5 नंबर मॉडल भी फुली ऑटोमेटिक है, 6 नंबर भी फुली ऑटोमेटिक है, 7 नंबर भी फुली ऑटोमेटिक है, और 8 नंबर जो है 4-in-1 फुली ऑटोमेटिक है। 5 नंबर में ऐसा है कि जैसे ये 3-in-1 होगी एक, और इसमें कटिंग मैनुअल लगा सकते हो जिसका बजट कम है, और जो 6 नंबर वाली है उसमें कटिंग, ये 3-in-1 एक मशीन होगी और कटिंग जो है सेमी ऑटोमेटिक वाली, सेंसर वाली लग जाती है। 7 नंबर वाली जो है उसमें 3-in-1 ये मशीन आएगी, और एक कटिंग मशीन जो है कंप्यूटराइज आ जाएगी, उसमें जो भी साइज कटिंग करना है उसमें उसमें प्रोग्राम फीड करो, वही साइज कटिंग होएगा, फुली टॉलक पूरी फुली कंप्यूटराइज होएगी। और 8 नंबर मॉडल जो है वो पूरी कंप्यूटराइज वो भी है, लेकिन उसमें ऐसा है कि ये इधर स्टिचिंग फोल्डिंग एज स्केयरिंग और साथ में कटिंग होके फाइनल होके प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा आपका, उसमें प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है आपकी कम आएगी उसमें, और प्रॉफिट अच्छा खासा आएगा। बाकी हमारी वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक आप देखते रहा करो, हमारे बहुत सारे वेरियंट मॉडल हैं, जैसे 1 नंबर मॉडल, 2 नंबर मैनुअल मॉडल है, मैनुअल मॉडल भी ये बजट कम है वो भी ले सकते हो, जैसे स्टिचिंग है मोटराइज स्टिचिंग, कटिंग 32 की ले सकते हो, एज स्केयरिंग ले सकते हो। फिर 3 नंबर मॉडल है, उसमें 36 की कटिंग आ जाती है, एज स्केयरिंग है, कटिंग एज स्केयरिंग स्टिचिंग आ गया। फिर ऐसे स्पायरल बाइंडिंग मशीन भी है मेरे पास, स्पायरल बाइंडिंग भी वाली कॉपी भी बना सकते हो, पैकिंग वाली मशीन भी है, श्रिंक पैकिंग जो है कॉपी बन के रेडी होने के बाद श्रिंक पैकिंग करके 5-5, 10-10 कॉपी, वो भी वीडियो में आपको दिखा दूंगा, 5-5, 10-10 कॉपी ऊपर रैप हो जाती है, कोई डस्ट नहीं पड़ती उसके ऊपर, कॉपी के ऊपर। वो बेचने में भी, जैसे मॉल में सेल करते हो, कहीं करते हो होलसेल में, वो सेल करना भी आपको इजी होता है बहुत बहुत। बाकी हमारी वीडियो जो है आप अंत तक देखते रहो, आपका मतलब जो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि बहुत इजी मशीन है, तो इसमें बस आपने जैसे वीडियो में देख रहे हो आप, बस पेपर और टाइटल हम रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्टिचिंग हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा और एज स्केयरिंग हो जाएगा। जो भी काम पहले मैनुअल होता था
वो सारा एक ही मशीन में एक ही लेबर के साथ हो जाएगा, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा। तो देखिए जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बस पेपर और टाइटल रख रहा हूँ मशीन पे, तो ऑटोमेटिक जो मशीन में साइज पिन साइज़ फीड किया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे पिन लगानी है, वो ऑटोमेटिक पिन लगा के फोल्डिंग करके एडजस्ट करिंग करके कॉपी को बाहर निकालते जा रहे हैं। तो ये कॉपी रेडी होने के बाद कटिंग का प्रोसेस होता है। तो मैं अभी आपको कटिंग के तीनों टाइप के मॉडल दिखाऊंगा, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। दोस्तों ये मैनुअल पेपर कटिंग मशीन जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं दाब आ रही है नीचे, तो हाथ से घुमाना पड़ेगा, ये मैनुअल वर्क होता है, तो इसको मैनुअल पेपर कटिंग मशीन कहते हैं। ऊपर दाब आ गई हाथ से, अब जो कटिंग करनी है तो उस लीवर को खींचोगे तो कटिंग हो जाएगी, तो ये मैनुअल मशीन होती है। तो इसके बाद मैं आपको प्रोसेस देता हूँ सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन का। मैनुअल में ऐसे ही दाब हाथ से आएगी, दाब हाथ से ऊपर जाएगी, मेज़र भी दाब मैनुअल जाएगा हैंडल से आगे पीछे, ये पूरी मैनुअल वर्क होता है। अभी जो वीडियो में दिख रही है आपको ये सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग है, उस मैनुअल में जैसे दाब हाथ से घुमा के आ रही थी, इसमें स्विच प्रेस करने पे आ गई है, तो देखो स्विच प्रेस किया कटिंग हो गया बस। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, इसमें सेफ्टी सेंसर भी लगा रहता है, स्विच से दाब आएगी स्विच से ही कटिंग हो जाएगी, इसको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं, इससे आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं वीडियो दिखाऊँगा आपको फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेटिक पेपर कटिंग मशीन। इसमें जैसे हमने कॉपी के हिसाब से साइज़ फीड कर दिया है, तो जैसे हम एक कटिंग करेंगे तो नेक्स्ट साइज़ जो मेज़र का होगा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब देख सकते हैं वीडियो में भी कटिंग करके दिखाऊंगा, इसकी दाब भी ऑटो आएगी, देख सकते हैं सिर्फ कटिंग वाला स्विच प्रेस किया हमने, दाब भी ऑटो आ गई है और कटिंग भी ऑटोमेटिक हो गई है। अभी आप देखो हमने कटिंग किया तो नेक्स्ट साइज़ जो होगा कटिंग का पीछे वाला, देखो आप गेज पीछे जाके ऑटोमेटिक सेट हो गया है नेक्स्ट साइज़ कटिंग करने के लिए। तो इसमें जो हमने एक साइज़ फीड कर दिया, चाहे साल बाद भी आपने कटिंग कर दी है तो सेम साइज़ की कटिंग आएगी। तो ये प्रोग्रामेटिक फुली ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन है। तो ये तीन टाइप के मॉडल हैं कटिंग के। आपका बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को। पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।